यह फिल्म कोरोना वायरस यानी कोविड-19 महामारी के दौरान हुई सत्य घटनाओं पर आधारित है। इस फिल्म को बनाने का मकसद श्रमिक भाई एवं बहनों की कठिन परिस्थिति एवं मनोस्थिति को करीब से दर्शाना है। इस फिल्म को बनाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया है, अतः आप सभी अपने घरों में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ओम भूर्भुवस्सः सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो येन प्रचोदयात्। हमरा गमछा रख दी। का हुआ, नाराज का है? शादी को 2 ही हफ्ते नहीं हुए और आप वापस जा रहे हैं। अरे तो जाएंगे नहीं तो कमाएंगे का? का खाएंगे? तुमको का खिलाएंगे? और अम्मा और बाबूजी को? यहाँ भी तो आपकी 2 गज की जमीन है, उम्मा का है कुछ नहीं कर लेते। वो 2 मुट्ठी जमीन में का होगा, 6 महीने का अनाज नहीं उगता होगा। कल को हमारा परिवार बढ़ेगा, लल्ला होगा, उसका भी तो भविष्य देखेंगे कि नहीं? भविष्य का सोच और हमारा क्या, अभी अभी शादी हुई है, आप वहाँ और हम यहाँ। तो हम तुमको यहाँ छोड़कर थोड़े ही जा रहे हैं। वहाँ जाएंगे, नया डेरा देखेंगे, नया सामान सब लेंगे, 2-4 महीने में आकर तुमको ले जाएंगे। ए ज्योति, ज्योति आते। आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। मनोहर। हाँ सेठ। हाँ सेठ, ये लो। 3 दिन पहले दे दिए सेठ। कल से लॉकडाउन रहेगा, सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, काम बंद रहेगा कल से। काम बंद रहेगा लॉकडाउन से? लॉकडाउन, ये जो कोरोना महामारी फैल रही है उसको रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, जिससे ऑफिस, दुकान सब बंद रहेगा सेठ। लेकिन हम तो डेली भत्ता वाले हैं सेठ, कैसे करेंगे? ये लो एक्स्ट्रा, ये 500 रखो। ठीक है सेठ, कुछ काम हो तो बताना। जी एकम दो दो चार प्रेम से बोलो मैया जी। हेलो, ठीक है तुम बताओ? हम भी ठीक है। क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे। हम खा रहे थे दाल भात, परवर का तरकारी। अच्छा बताइए, कुछ काम मिला का? अभी तो कोई काम नहीं मिला है अभी। तो जब कुछ काम नहीं है तो वापस काहे नहीं आ जाते हैं? अरे उड़ कर आ जाएं क्या हैं? लॉकडाउन चल रहा, पता नहीं है तुमको? सब बंद है, 2-4 दिन में जब सब खुलेगा, कुछ काम मिल जाएगा फिर बताएंगे। तुम ज़्यादा चिंता मत करो, बस अपना, अम्मा और बाबूजी का ख्याल रखना, ठीक है? जी रखते हैं।
हेलो सेठ, सेठ कुछ काम बना क्या? सेठ मेरे पास थोड़ा भी पैसा नहीं है सेठ, 100 ही रुपए है, क्या करूं बताओ आप। देखो ना सेठ कुछ। सेठ हेलो, अबे मर गए हो क्या? नहीं आ रहे सेठ। क्यों ताऊ, भाड़ा किधर है? सेठ अंदर है। पारा भाई, पिछले 2 महीने से तुमने किराया नहीं दिया है, कब दोगे? सेठ लॉकडाउन चल रहा है, पैसा कौड़ी नहीं है। भैया लॉकडाउन हमारे लिए भी है, आपके लिए बस नहीं है। मैंने कोई धर्मशाला खोल के नहीं रखा है। अभी तो पैसा कौड़ी कुछ नहीं है सेठ, देख तो सब मैं नहीं जानता, मुझे सुबह तक भाड़ा चाहिए, नहीं तो घर खाली करो। सेठ खाने को नहीं है सेठ, खाने तो मेरे घर में भी नहीं है भाई, कैसे करोगे? सेठ थोड़ा सुबह तक का समय तुम्हारे पास? सेठ कोई सेठ वेट नहीं भाई, सुबह भाड़ा दे देना नहीं तो घर खाली करो। जय श्री राम। बिरह की आग में दिन रात जला करते हैं, खाली बनमाली बिन हाथ मला करते हैं। सहते सहते हर सदमा मेरे दिल में अरमा हो गया, रोते रोते आंसुओं से आंख जले जाते हैं। प्रीतम मेरा मिलता नहीं, हड्डी भी गले जाते हैं। I'm on the highway of Gurgaon, and in this pandemic situation, everybody is walking towards their home. These are the laborers who stay in Delhi or in different parts of Delhi. The situation has become so crucial that people are now forced to be on their foot towards their home. Let's talk to some of them and let's know their actual situation. Ek minute bhai sahab, kya naam hai aapka? Manohar. Kahan ja rahe hain aap aur kitne baje se nikle hain? Hum Chhapra ja rahe hain madam. सुबह सात बजे से निकले हैं। आप यहाँ क्यों नहीं रुक रहे? क्या यहाँ पे कोई परेशानी है आपको? क्या यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं मैम, कोई खास व्यवस्था इधर है नहीं, खाने पीने को कुछ है नहीं। मकान मालिक बोलता है किराया दो नहीं तो कमरा खाली करो, क्या करेंगे बताओ। और कितनी दूर जाना है आपको? अभी तो 700 किलोमीटर और जाना है। 700 किलोमीटर दूर पैदल जाएंगे, रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था? कितने पैसे हैं अभी आपके पास? खाने के लिए तो रोटी और नून रखे हैं अभी, और पैसा जेब में 100 रुपया है अभी। 100 रुपये, 700 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। अभी सरकार ने श्रमिकों के लिए जो स्पेशल ट्रेनें भी शुरू करवाई हैं, आप उससे क्यों नहीं जाते हैं? फार्म भरे थे मैडम, उधर गए तो बोलता है कि ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन हमको आता है नहीं। और उसके बाद फिर पुलिस के पास गए मदद मांगने के लिए, तो पुलिस डंडा मार के भगा दिया, बोलता है घर जाओ, अपने पैदल जाना, पैदल जाओ, क्या करेंगे बताइए। सो दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। People went to police station to ask for help, but nothing is happening. Manohar is walking from 7 in the morning towards his hometown Chhapra. The lockdown has increased for the 3rd time and people are now forced to be on road, and most of them have been saying there is no food, there is no money and there is no arrangement. This is the reality. Cameraman Bhavesh ke saath Shefali Sharma, District News. Pani. Thank you.
बीड़ी जलैले जिगर से पिया जिगर मा बड़ी आग है बीड़ी जलैले जिगर से पिया। ओए अठिया अठिया कठे कठे जावे तू, तन्ने को नहीं मालूम के लॉकडाउन चल रहा है, घर से निकल ना सकता मना है। घर जा रहे थे साहब। के मतलब यो है कि चूतिया लागे हम ते को, जो अपना घर बार छोड़ के लोगों की सुरक्षा में लागे है, हैं? और तन्ने को बाहर जाना है साले, बाहर जाना है नहीं साहब, बाहर जाना है, बाहर जाना है नहीं, बाहर जाना है, बाहर जाना है। चल लाडू बन घर जाने है ते को, चल लाडू बन, चल और अच्छे से उचक हैं, नहीं तो लगानी है एक और लठ। जान दे के साहब, जान दे जान दे, चल निकल साले। सर झुका के रुकल बानी हम, कहियो बरदान हमरा के मिलबे करी। पाँव में सर झुका के रुकल बानी हम, कहियो बरदान हमरा के मिलबे करी। वरदान हमरा के मिलबे करी, पाँव में सर झुका के रुकल बानी हम, कहियो वरदान हमरा के मिलबे करी। जिंदगी में कभी तो मिली रोशनी, जिंदगी में कभी ता मिली रोशनी, कहियो मुस्कान हमरा के मिलबे करी। जिंदगी में कभी ता मिली रोशनी, जिंदगी में कभी ता मिली रोशनी, कहियो मुस्कान हमरा के मिलबे करी। जिंदगी में भरल, पहले अंजन नयन में रचैबे करी, पहले अंजन नयन में रचैबे करी, कहियो सम्मान हमरा के मिलबे करी, कहियो सम्मान हमरा के मिलबे करी। पाँव में सर झुका के रुकल बानी हम, कहियो वरदान हमरा के मिलबे करी। पाँव में सर झुका के रुकल बानी हम, कहियो वरदान हमरा के मिलबे करी। जिंदगी में कभी तो मिली रोशनी, जिंदगी में कभी तो मिली रोशनी, कहियो मुस्कान हमरा के मिलबे करी, कहियो सम्मान हमरा के मिलबे करी, कहियो सम्मान हमरा के मिलबे करी।
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله क्या कर रहा था? कूदे के विचार बनाया था क्या? कुछ नहीं साहब, माना नहीं साहब। आ इधर बैठ, बैठ। भोजन वोजन किए हो? ठहरो। लो पकड़ो। कहाँ से आए हो? गुड़गांव से आए हैं साहब। और कहाँ जा रहे हो? छपरा जाएंगे। साला इतना दूर चल लिए पैदल है? क्या करेंगे साहब? कब से नहीं खाया? 2 दिन से नहीं खाया साहब। खा लो फिर चलते हैं। हाँ साहब। उतरो। ट्रक वाले को हम बोल देंगे तुम्हारे गांव ही जा रहा है छपरा, 5 किलोमीटर दूर हाईवे में छोड़ देगा। ये हमारा नंबर रखो, ये पैसे पकड़ो। अरे पकड़ो। कुछ भी तकलीफ हो किसी भी समय कॉल मिला लेना। चलो उड़ो। चल 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 चल।